नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश और समय काल के हिसाब से संघ ने खुद को बदला है और मुस्लिमों से कह रहा है आप आइए हमारे साथ जुड़िए, संघ को जानिए। लेकिन क्या जो मुस्लिम हैं वो संघ प्रमुख की इस अपील को मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल होता है, खड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो मुस्लिम राजनेता हैं, खासकर जो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं या अन्य कोई और हैं, तो वो लोग अपने समाज पे जो प्रभाव रखते हैं, तो क्या इतनी आसानी से अपने समाज में वो आरएसएस के संदेश को जाने देंगे, समझने देंगे? आइए पहले देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी को समझकर हमको आरएसएस से उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ मुकाबला हम करते आए हैं। आरएसएस हिंदू नेशनलिज्म को मानने वाली है और इस देश की बड़ी तादाद मेजॉरिटी इंडियन नेशनलिज्म को मानती है। आरएसएस को अगर समझना है तो उनके बड़े बड़े गोलवालकर की किताब को पढ़िए, वी आवर नेशन इज डिफाइंड, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के लिए इंटरनल ख़तरा मुसलमान और क्रिश्चियन है। आरएसएस जब कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है तो वो कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? क्या हिंदुस्तान में एक कल्चर है? हिंदुस्तान में हज़ारों कल्चर हैं, क्या एक कल्चर हो सकता है इस मुल्क में? तो ये इन चीज़ों पर आरएसएस की का असली चेहरा सामने आता है। अब जब बीजेपी इख्तदार में है तो वो इस तरह के फंक्शंस करके मुख्तलिफ लोगों को दावत दे रहे हैं, वो जाने। जहाँ तक मेरा सवाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखकर और उनकी बात को सुनने के लिए। हम तो आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। आइए संघ को अंदर से देखिए, जहाँ जहाँ संघ की अच्छी शाखा है वहाँ अगर पास में मुसलमान बस्ती है तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, उनको वहाँ ज़्यादा सुरक्षितता महसूस होती है। और इसलिए आप देखिए, हमारा आह्वान राष्ट्रीयता का है, जो भारत के मुसलमानों की, ईसाइयों की, सबकी परंपरा है, उस परंपरा का है, उसके प्रति गौरव का है, मातृभूमि के भक्ति का है, वही हिंदुत्व है। बिना कारण भय मन में क्यों रखना, एक बार आके देखिए, बात करके देखिए, संघ के कार्यक्रमों में आइए, देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या बात होती है। मेरा तो अनुभव है, जो जो आते हैं उनके विचार बदल जाते हैं। आप आइए देखिए, और हमारी कोई बात गलत है या आपके विरोध से प्रेरित है तो फिर हमको पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है संघ में। सही बात है, सही बात आपको पसंद नहीं आएगी तो भी हम बोलेंगे, परंपरा से, राष्ट्रीयता से, मातृभूमि से, पूर्वजों से, हम सब लोग हिंदू हैं, ये हमारा कहना है और ये हम कहते रहेंगे। उस शब्द को हम क्यों नहीं छोड़ते, कल मैंने बताया है आपको, लेकिन इसका मतलब हम आपको अपना नहीं मानते, ऐसा नहीं, हम आपको अपना मानने के लिए ऐसा कह रहे हैं। किस आधार पर हम आपको अपना माने, वो पंथ संप्रदाय नहीं है, भाषा नहीं है, जात कुछ नहीं है, मातृभूमि, संस्कृति, पूर्वज ये है, उन पर हम जोर देते हैं, उसको हम अपने राष्ट्रीयता के घटक मानते हैं। इसलिए आकर देखिए। अब रही बात बंच ऑफ थॉट्स की, तो बातें जो बोली जाती है वो परिस्थिति विशेष, प्रसंग विशेष के संदर्भ में बोली जाती है, वो शाश्वत नहीं रहती है। एक बात तो यह है कि गुरुजी के जो शाश्वत विचार है उनका एक संकलन प्रसिद्ध हुआ है, श्री गुरुजी मैन एंड मिशन, ठीक है, व्यक्ति और कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व, विजन एंड मिशन। उसमें तात्कालिक संदर्भ से आने वाली सारी बातें हमने हटाकर उनके जो सदाकाल के लिए उपयुक्त विचार है वो रखे हैं, उसको आप पढ़िए, उसमें आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। दूसरी बात है कि संघ ये बंद संगठन नहीं है कि डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ वाक्य बोल दिए, अब उन्हीं वाक्यों को लेकर हम चलने वाले हैं। समय बदलता है, संगठन की स्थिति बदलती है, हमारा सोचना, आर्टिकुलेशन ये भी बदलता है, और बदलने की परमिशन डॉक्टर हेडगेवार से हमको मिलती रही है। दरअसल जो पूर्व सरसंघचालक हैं गुरु गोलवलकर, उनकी पुस्तक थी बंच ऑफ थॉट्स, उसको लेकर विवाद इसलिए खड़ा किया जाता है क्योंकि उसमें मुस्लिम विरोध की बात कही गई है। अब
आज के संदर्भ में संघ ने खुद को बदला है और कहा है कि जो सामयिक विचार हैं गुरुजी के वो लिए गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 70 साल पहले जब ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय क्या माहौल था और किस माहौल में पुस्तक लिखी गई थी। दरअसल उस समय मुस्लिम लीग का जो हिंदू विरोध अभियान चल रहा था और देश का विभाजन हुआ था और दोनों संप्रदायों में आपस में बड़ी कटुता थी, उस संदर्भ में वो पुस्तक लिखी गई थी। तो ये हमारे को उस पुस्तक का विरोध करते हुए, उस पुस्तक में लिखे गए विचारों का विरोध करते हुए उस समय के को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब चूंकि संघ ने, जैसा आपने अभी सुना भागवत जी को, अब संघ ने खुद कहा है कि हम बदल रहे हैं, हम आप हमारे से को जानिए, आइए जुड़िए हमारे साथ, तो एक बार जाकर देखना चाहिए कि क्या वाकई में जो भागवत जी ने कहा है वही सही है।